You can live your entire life without learning how to pick your stock by yourself. Asset allocation, which is learning how much to put in the equity, that is more important than learning which stock to pick. But most people are worried about which stock to pick, and to make matters worse, they're thinking about when to put it. जो बात शरण भैया ने कही, यही सेम चीज वॉरेन बफे और चार्ली मंगर भी कहते हैं, that most people should not invest in individual stocks. पर क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को स्टॉक्स पिक करना नहीं आता, और अगर आपको स्टॉक पिक करना आता भी है तो भी इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगता है। आसान नहीं है ना इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज में से कुछ अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना। तो अगर आपको स्टॉक्स पिक करना आता है और आपके पास टाइम, एफर्ट, एनर्जी है इसको देने के लिए, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीद लो। नहीं तो श्री श्री वॉरेन बफेट सर के अकॉर्डिंग, कीप इट सिंपल एंड ट्रस्ट इंडेक्स फंड्स एंड होल्ड योर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स फंड बेसिकली एक स्टॉक्स की बास्केट है। इन बास्केट में उन कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं जिन्हें इंडेक्स फंड कॉपी कर रहा है। तो होता ये है कि इंडेक्स फंड हमेशा किसी न किसी बेंचमार्क या इंडेक्स को कॉपी करता है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, इट वुड बी मोर इजियर। जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है और इस इंडेक्स फंड का बेंचमार्क या इंडेक्स है निफ्टी 50। यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। यानी अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो आपके पैसे निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। तो ये इजी है, आपको खुद कोई कंपनी नहीं चुननी है, 50 अलग कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रही है, तो इसमें रिस्क भी कम होगा। क्योंकि हर 6 महीने में इंडेक्स फंड्स को रिव्यू किया जाता है और जो भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक होता है उसे रिमूव करके दूसरे स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। दैट मींस इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दैट मींस यू आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग इन टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो कंक्लूजन पर आते हैं, इंडेक्स फंड स्टॉक्स की एक बास्केट है और इस बास्केट में बेंचमार्क के स्टॉक्स आते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पर आपका टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स कम लगेंगे, तो इसमें रिस्क भी थोड़ा कम है और आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडेक्स फंड, आप क्या प्रेफर करते हो? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।